शादाब साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि बल्ला तो छीन लिया गया, लेकिन उसके बदले में आपने देखा कि हर किस्म का निशान मैदान में है इलेक्शन के लिए। आप क्या देखते हैं, ये इलेक्शन क्या है और इसके नतीजे क्या होंगे, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा? जी साहब, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस इलेक्शन का नतीजा या इसके बदले में क्या होगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये इलेक्शन इतने मुतराजा हो गए हैं कि इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनली भी हमें जवाब देना पड़ता है, उसमें भी जो ऑब्जर्वर्स आए होते हैं यहाँ पर, सब चीज़ें चेक कर रहे होते हैं किस तरह मुतमईन करेंगे उनको। दूसरी बात यह है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया है। अब नेक्स्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन है सोर्सेज से, वो ये है कि अब एक जगह पर तहरीक इंसाफ का जो बंदा खड़ा होगा उसको ट्रैक्टर मिलेगा, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो दूसरा बंदा खड़ा कर दिया जाएगा, तीसरा, और तमाम लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें और बल्ले लगाए होंगे और साथ अपना ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या जो भी निशान होगा। इससे ये होगा कि जो हमारे पाकिस्तान में आपको इतना पता है मेजॉरिटी जो है वो इतने पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, गाँव साइड पर आप चले जाएँ तो वहाँ पर जब वो देखेंगे कि बल्ला 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 तीन चार उम्मीदवारों ने बल्ले लगाए हुए हैं, तो यकीनन वो कंफ्यूज़ हो जाएंगे और फिर बल्ले का जो वोट है वो तकसीम हो जाएगा। जो एक बंदे को मिलना है उसकी जगह वो चार या पांच लोगों को तकसीम होगा और अल्टीमेटली जो है वो उसका दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को फ़ायदा होगा।